हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, JEE के एग्ज़ाम हो चुके हैं 2018 में, रिजल्ट भी आ गया है। इस टाइम स्टूडेंट्स में रश है कि वो अच्छे से अच्छे कॉलेज में अपने BTech में एडमिशन लें और अपना कैरियर स्टार्ट करें। एग्ज़ाम देने से पहले, रिजल्ट आने से पहले ऑलमोस्ट हर बच्चा पूरे साल पूरी मेहनत से, ईमानदारी से कोचिंग करता है, प्रिपरेशन करता है और सबके सपने होते हैं कि वो IITs में पढ़े और IITs या NITs में पढ़े या अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े और उसके बाद एक अच्छा कैरियर स्टार्ट कर सके, एक अच्छा प्लेसमेंट हो सके। यही विज़न रखते हुए सब बच्चे इंजीनियरिंग का पेपर देते हैं और काफ़ी डेडिकेशन से पढ़ाई करने के बाद अपना एग्ज़ाम देते हैं। अभी रिज़ल्ट आ चुका है, सब बच्चों ने अपना स्कोर देख लिया है। कुछ बच्चे अपना स्कोर देख के नर्वस होंगे और कुछ बच्चे एक्साइटेड होंगे कि हाँ, उनको सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो गए, वो IITs में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो गए। बेसिकली ये वीडियो दोनों बच्चों के लिए हैं, जिनका सेकेंड राउंड में क्वालिफिकेशन हो गया है IITs में एडमिशन लेने के लिए, और उन बच्चों के लिए जिनका लो स्कोर आया है। एक्चुअली अभी तक आपने जितना भी सुना है वो मीडिया के थ्रू सुना है, किसी के थ्रू आपने सुना है अबाउट द र्यूमर्स, अबाउट द IITs में क्या होता है, कैसे अच्छे अच्छे पैकेजेस मिलते हैं और फैक्ट क्या है, इसमें क्या मिथ है और क्या फैक्ट है, ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। अगर आप मेरे इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक करना चाहें तो आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, काफ़ी ऑफिशियल वेबसाइट्स हो उस पर जाके। एक्चुअली कोई भी बच्चा होता है वो सपना देखता है कि वो IIT में जाके पढ़ाई करेगा। बेसिक रीज़न उसका ये रहता है IIT के पीछे पढ़ाई करने का कि उसको अच्छे पैकेजेस मिलेंगे। हम न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं, कोचिंग सेंटर्स में सुनते हैं, फ्रेंड्स से सुनते हैं कि IIT में जाने के बाद 1 करोड़ का पैकेज लग जाता है, 1.25 करोड़ का पैकेज लग जाता है, 40-50 लाख का पैकेज तो बहुत आसानी से लग जाता है। IIT में एक बार बस चले गए तो लाइफ बन जाएगी, IIT में चले गए तो उसके बाद तो कुछ सोचना नहीं है, या किसी बहुत अच्छे कॉलेज में चले गए तो उसके पीछे उसके बाद तो कुछ सोचना नहीं है, हम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये चीज़ सुनते हैं, ये सुन के हम पंप अप होते हैं और हम भी तैयारी करते हैं, पूरे सपने देखते हैं कि बड़े से बड़े कॉलेज में हम इंजीनियरिंग करें, बीटेक करें। बट एक चीज़ ये रियलिटी है, कोई भी कॉलेज हो, वेदर द कॉलेज इज़ IIT, NIT, पिलानी और एनी गुड कॉलेज इन इंडिया, कॉलेज आपको एक प्लेटफॉर्म देता है बट वो प्लेसमेंट आपको नहीं देता है। प्लेसमेंट स्टूडेंट को खुद ही लेना पड़ता है। अगर आप IITs की बात करते हो, आप किसी भी एक IIT को उठा के देख लो, जितने भी IITs बने हुए हैं उसमें फॉर एग्जांपल कि एक बैच में 600 बच्चे हैं, सारे स्ट्रीम्स को मिला देते हैं, अगर जितनी भी स्ट्रीम्स रहती हैं अलग अलग ब्रांचेस के हिसाब से, कंप्यूटर साइंस, EC, ENTC, सिविल, मैकेनिकल, IT, एरोनॉटिक्स, मरीन इंजीनियरिंग, अगर सबको देखते हैं 600 सीट्स हैं तो 600 सीट्स में हार्डली 1% 5-7 बच्चे ही ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेसमेंट उठाते हैं, जो हाईएस्ट पैकेज उठाते हैं। आप किसी भी IIT का प्लेसमेंट का चार्ट उठा के देख लो, उसमें आप जब भी प्लेसमेंट के बारे में जाओगे, प्लेसमेंट के कॉलम में जाओगे, आपको 3 कॉलम में प्लेसमेंट दिखता है कि हाईएस्ट प्लेसमेंट कितनी है, लोवेस्ट प्लेसमेंट किसकी कितनी है और एवरेज सैलरी कितनी है, एवरेज प्लेसमेंट कितना है। अगर हम हाईएस्ट में देखते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हमको 20 लाख 25 लाख 30 लाख तक का हाईएस्ट पैकेज दिखता है, 40 लाख का भी हाईएस्ट पैकेज दिखता है। कभी कभी जो टॉप की ग्लोबल कंपनीज हैं, जैसे कि फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, ओरेकल है, ये भी कंपनीज आती हैं, 1-1 करोड़ का, 1.25 करोड़ का, 1.5 करोड़ का भी पैकेज ऑफर करती हैं। बट ये जो हाईएस्ट कैंडिडेट होते हैं, जो ये कैंडिडेट्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो हाईएस्ट सैलरी उठाते हैं, ये कितने रहते हैं परसेंटेज वाइज? अगर आप इसको पर रिसर्च करोगे तो आप आओगे कि ओनली हार्डली 1% to 1.5% और मैक्सिमम 2%, यानी कि 600 बच्चों का बैच है तो 600 बच्चों में 10-15 बच्चे ही ऐसे होते हैं जिनको ये पैकेज मिलता है। लो सैलरी में अगर हम जाते हैं, किसी भी IIT की बात करते हैं, हम IIT बॉम्बे ले लेते हैं, IIT कानपुर ले लेते हैं, IIT खड़गपुर ले लेते हैं, IIT दिल्ली ले लेते हैं, तो जो लो सैलरी जाती है इसमें 3 लाख 2.5 लाख 3 लाख का लोवेस्ट प्लेसमेंट होता है। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे मोस्ट होता है, वो होता है एवरेज सैलरी। आप किसी भी ब्रांच को उठा के देख लिए, किसी भी IIT को उठा के देख लिए, जो एवरेज सैलरी अभी IITs इंडिया में प्रोवाइड कर रहे हैं वो है 5 लाख रुपीज़ के अराउंड,
4 लाख, 4.5 लाख या 5 लाख रुपीस, ये एक एवरेज सैलरी दे रहा है आईआईटी। तो जो स्टूडेंट्स ये सोच के जाते हैं कि हम आईआईटी में चले जा रहे हैं, कैसे भी करके हम आईआईटी पहुंच जाए तो उसके बाद हमारा बहुत अच्छा सब कुछ हो जाएगा, नो, इट इज़ नॉट राइट, ये एक मिथ है। आपको आईआईटी अच्छा प्लेटफॉर्म देता है, इसमें कोई शक नहीं है, बट आपको उस हिसाब का स्टूडेंट अपने आप को बनाना पड़ेगा। वो हम कैसे बना सकते हैं, अच्छा प्लेसमेंट कैसे ले सकते हैं, और अगर हम आईआईटीज में, ये सब सबसे मेजर चीज़ मैंने आपको बताई प्लेसमेंट, बिकॉज स्टूडेंट का मेन विजन रहता है कि प्लेसमेंट अच्छे से अच्छा हो। तो अगर आप प्लेसमेंट में अगर बड़े बड़े पैकेजेस को देख कर अट्रैक्ट होकर जा रहे हो, तो आप ये चीज़ पहले जानने से पहले देख लो कि 98% बच्चा ऐसा रहता है जो नॉर्मल सैलरी एवरेज पैकेज उठाता है, 4 लाख, 5 लाख, 5.5 लाख का पैकेज उठाता है। अगर 5 लाख का एक पैकेज अगर आप उठा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपकी जो बेसिक सैलरी आएगी पर मंथ वो 40,000 के आसपास आएगी, और हार्डली 1 से 2% बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेसमेंट उठाते हैं। ये हो गया प्लेसमेंट का। अब हम आ जाते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग। ऑब्वियस सी बात है, आईआईटी में कोई भी प्रोफेसर पढ़ाता है, ही इज़ अ प्रोफेसर विद पीएचडी डिग्री, वो पीएचडी होल्डर्स होते हैं। बट पीएचडी होल्डर रखना, डिग्रीज रखना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे आपने कोचिंग सेंटर्स में प्रिपरेशन करी, इंट्रैक्शन लेवल क्या है एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में, कम्युनिकेशन कैसा है दोनों के बीच में, अगर आप इस चीज़ को देखते हैं तो वहाँ के टीचर्स में कुछ प्रॉब्लम्स आती है। जो इंट्रैक्शन लेवल होता है, ये नहीं बोलूँगा कि सभी टीचर का, बट हाँ मोस्ट ऑफ द टीचर्स का, 60% टीचर का उतना अच्छा नहीं होता है। वो ओवर एज होते हैं, इंट्रैक्शन नहीं होता है, रूल्स डिसिप्लिन से चलते हैं, तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है इंट्रैक्ट करने में। कुछ ही ऐसे अच्छे टीचर्स होते हैं, अच्छे टीचर ज़रूर होते हैं जो बच्चों से अच्छा इंट्रैक्शन रखते हैं, अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं और एक अच्छा मैसेज बच्चों तक छोड़ते हैं। यह है आपका फैकल्टी का स्टैंडर्ड। और अगर आप करंट चार्ट को देखते हो, जितने भी ओल्ड आईआईटीज हैं, ओल्ड आईआईटीज में इस समय 41% स्टाफ, टीचिंग स्टाफ की शॉर्टेज है, और जितने भी न्यू आईआईटीज हैं उसमें ऑलमोस्ट 57% टीचिंग स्टाफ की शॉर्टेज है। तो ये सब बताने का रीज़न आपको ये है कि ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आईआईटी ख़राब है, आईआईटी अच्छा है और सभी कॉलेज अच्छे हैं, बस उसको बेस्ट बनाते हो आप। एक अच्छा स्टूडेंट एक अच्छे कॉलेज को बनाता है, ना कि कॉलेज बच्चे को बनाता है। अब प्लेसमेंट बच्चों का क्यों नहीं हो पाता है, बहुत से लोग सोचते हैं कि हम आईआईटी चले जाएंगे, मणिपाल चले जाएंगे, वीआईटी चले जाएंगे, एमआईटी पूना चले जाएंगे, बिट्स पिलानी चले जाएंगे, वहाँ से हमको अच्छा पैकेज मिल जाएगा, या एक्स वाई जेड जो भी कॉलेज उन्होंने टारगेट किया हम वहाँ पे चले जाएंगे, कॉमेट के कॉलेज में चले जाएंगे, वहाँ पे हमको अच्छा प्लेसमेंट चला जाएगा। बट फैक्ट ये है, अगर आप प्लेसमेंट सिनेरियो से देखते हो तो आप किसी भी कॉलेज में जाते हो, किसी भी, वेदर दोज आर आईआईटीज, एनआईटीज, टॉप प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ इंजीनियरिंग, तो आप जो एवरेज सैलरी अगर देखते हो तो आपको हर जगह 3 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख की ही एवरेज सैलरी दिखेगी। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेसमेंट दिखते हैं आपको 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख के, 50 लाख के, वो हार्डली 1% से 2% ही बच्चे होते हैं, और जो लो सैलरी होती है वो 2 लाख रुपए तक होती है। अब हम इसको पर वर्कआउट करेंगे कि इसके पीछे रीज़न क्या है, कि जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनको कम पैकेज क्यों मिलता है, एवरेज सैलरी 4-5 लाख पे ही क्यों रुक जाती है, क्यों फंस जाती है, हम 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक सैलरी क्यों नहीं कर पाते हैं। इसमें स्टूडेंट्स अगर आप देखते हो तो इसमें कोई कॉलेज की कोई फॉल्ट नहीं है, कॉलेज का जो रोल है, कॉलेज अपने रोल को पूरा कर रहा है, कॉलेज आपको एजुकेशन दे रहा है और आपको एक्सपोजर दे रहा है, कंपनीज को बुला रहा है, इनवाइट कर रहा है आपके कॉलेज में, एक एचआर आपके सामने आ रहा है, वो आपका इंटरव्यू ले रहा है, आप एक उसके सामने बैठे हो, बट वो इंटरव्यू को क्रैक करना आपकी जिम्मेदारी है। इस चीज़ को आपको ज़्यादातर लोग नहीं बताते हैं कि जिसी भी आप कॉलेज में जाते हो, वेदर दोज आर आईआईटीज, एनआईटीज और एनी कॉलेज, वहाँ पे आप जो भी पढ़ाई करो, दैट आर रिलेवेंट ओनली टू योर एजुकेशन, इंजीनियरिंग एजुकेशन, बट बीटेक एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम है। इसको करने के बाद लोगों का प्लेसमेंट होता है, जॉब लगता है और वो एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में आते हैं। तो फ्रेंड, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी कॉर्पोरेट नॉलेज क्या है, कॉर्पोरेट एक्सपोजर क्या है, इंडस्ट्री की आपको कितनी नॉलेज है। तो वो जो बच्चे होते हैं जो अच्छा प्लेसमेंट उठाते हैं, जो ज़्यादा अच्छे कॉलेज से भी नहीं पढ़ते हैं, एक नॉर्मल एवरेज कॉलेज से पढ़ते हैं, कम फीस वाले कॉलेज से पढ़ते हैं, बट वो अच्छा पैकेज उठाते हैं, तो कैसे वो बच्चे अच्छा प्लेसमेंट उठा पाते हैं।
देखो स्टूडेंट्स की ज़्यादातर बच्चे फोकस करते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कि हम अच्छे से पढ़ें, अच्छे से अच्छी परसेंटेज लेके आए कि हमको प्लेसमेंट में बैठें और हमको अच्छे ऑफर्स मिले, अच्छे प्लेसमेंट मिले। दिस इज़ अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी। वहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। परसेंटेज आपने जितने लाने थे एकेडमिक्स में आप ले आए, बट इफ़ यू आर गोइंग टू टेक अ जॉब, आप किसी कंपनी में जॉब करने जा रहे हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एचआर आपके अंदर ढूंढता है उस चीज़ को आपको अंदर अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। वो है कि इंडस्ट्री की नॉलेज, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री की नॉलेज। अब हम कॉर्पोरेट इंडस्ट्री की नॉलेज को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर। 4 साल के इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में ये डिपेंड करता है कि कोई बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा कितनी इंटर्नशिप कर रहा है बाहर, अपने से क्या एफर्ट कर रहा है, कितने प्रोजेक्ट्स कर रहा है। आपने समर प्रोजेक्ट क्या किया, विंटर प्रोजेक्ट क्या किया, किसी कंपनी में आपने 1 महीने की इंटर्नशिप करी, 2 महीने की इंटर्नशिप करी। इसमें आपको मार्केट में जाके कंपनी में जहाँ पे आप फ्यूचर में जॉब करने वाले हो वहाँ पे रह के आपको सीखने की लाइव अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप देखते हो कि यहाँ जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, उनसे कैसे इंटरेक्ट किया जाता है, किसी प्रोजेक्ट को हम हैंडल कर रहे हैं तो कैसे उस प्रोजेक्ट को हैंडल किया जाता है, टीम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, एक मैसेज अगर डिलीवर होता है कंपनी की तरफ से तो उसको कैसे सब लोगों तक पहुंचाया जाता है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किया कैसे किया जाता है। और हम किसी भी ब्रांच से अगर हम कर रहे हैं, लाइक हम कंप्यूटर साइंस से कर रहे हैं, आईटी से कर रहे हैं, इसी से कर रहे हैं, आज का जो एरा है डेट इज़ अ टेक्नोलॉजी बेस्ड एरा, उसको हम बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी उसमें कैसे इम्पोज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के बेस्ट यूटिलाइजेशन उसमें कैसे कर सकते हैं, टीम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो आपका एचआर आप में ये सब क्वालिटीज़ ढूंढता है, बिकॉज अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको इसीलिए नॉर्मल सैलरी मिलती है कि आपको किसी प्रोजेक्ट के अंडर डाल दिया जाता है और उस प्रोजेक्ट को जो बंदा हेड करता है या जिसके अंदर वो क्वालिटी होती है उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो उन्हीं लोग को ज़्यादा पैकेज मिलता है। तो अगर आप ये चीज़ करते हो, आप इंटर्नशिप करते हो ज़्यादा से ज़्यादा, ज़रूरी नहीं कि वो IIT हो कि NIT हो कि कोई प्राइवेट मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज हो, आपने ज़्यादा से ज़्यादा आपने इंटर्नशिप करी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स किए, लाइव प्रोजेक्ट्स किए, सीखने को मिला। कई बार तो ऐसा होता है 50% चांसेस ऐसे होते हैं कि जिस कंपनी में आप इंटर्नशिप कर रहे हो या जिस कंपनी में आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, वो आपका काम अगर अच्छा है, आप फुल डेडिकेशन, फुल फोकस के साथ अपना काम कर रहे हो, तो आपके काम से इंस्पायर होकर वो आपको पहले से ही PPO दे देता है। PPO मतलब होता है प्री प्लेसमेंट ऑफर, आपको पहले से ही ऑफर दे देता है कि हाँ आप अपना BTech कंप्लीट होने के बाद मेरी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो, जो भी आपको कॉलेज में प्लेसमेंट मिल रहा है आप कंपेयर कर सकते हो मेरे साथ, हमसे डिस्कस कर सकते हो, वी विल गिव यू अ बेटर ऑफर देन डैट। बिकॉज किसी भी कंपनी को, XYZ मेरी भी एक छोटी सी कंपनी है, किसी भी कंपनी को, किसी भी एंटरप्रेनर को सैलरी देने में एम्प्लॉयज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, अगर आप किसी को कोई चीज़ सैलरी अच्छा पैकेज दे रहे हो और उसके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है, वो गट्स नहीं है, तो आप उसको स्टार्टिंग में ब्रेकिंग सैलरी नहीं दे सकते हो। एक टाइम लगेगा उसको वो चीज़ सीखने में, 1 साल 2 साल 3 साल का जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आप वो सैलरी को डिजर्व करते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपनी स्टार्टिंग सैलरी को ही अच्छा करो, वेदर आप IIT से पढ़ लो, चाहे आप NIT से पढ़ लो, चाहे छोटे कॉलेज से आप पढ़ लो या हम प्राइवेट कॉलेज से पढ़ लो, कहीं से पढ़ लो, तो ये आपको एडिशनल में निकल के करना पड़ेगा। यू हैव टू डेवलप योर सेल्फ, आपको अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। मार्केट में इंजीनियरिंग की डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, BTech की डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसे BTech होल्डर्स आपको बहुत जगह मिल जाएंगे। मोस्ट ऑफ द BTech होल्डर्स आज की डेट में एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड इसीलिए हैं, और जो जॉब करते हैं स्टार्टिंग 10,000 12,000 15,000 की कॉल सेंटर्स में जॉब करते हैं, वो इसीलिए करते हैं बिकॉज दे हैव कॉपीड एवरीथिंग फ्रॉम एवरी पर्सन, उन्होंने हर टाइम लोगों से कॉपी किया है, खुद में कोई चीज़ डेवलप नहीं करी है। अगर आप कोई स्किल्स डेवलप करते हो, इंडस्ट्री की स्किल डेवलप करते हो, आपको पता है आप कंप्यूटर साइंस से आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, IT से कर रहे हो, तो उसका बेस्ट यूज़ कैसे कर सकते हैं, हाउ टू यूज़ द कंप्यूटर साइंस इन अ लाइफ वर्ल्ड, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज की डेट में आप देख लो हर चीज़ टेक्नोलॉजी से हो रही है, ऐप से हो रही है, हम हर प्रॉब्लम ऐप से सॉल्व कर सकते हैं, एक ऐप बना के हम कुछ बेच सकते हैं, कुछ खरीद सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं, किसी से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, दूर बात कर सकते हैं, अपने मैसेज पहुँचा सकते हैं। तो ये चीज़ आप कितना कर सकते हो, तो यू हैव टू मेक योर सेल्फ इन द इंजीनियरिंग। तो फ्रेंड्स अगर आपका IIT में प्लेसमेंट नहीं हुआ है और आप घबरा रहे हो तो बिल्कुल भी नर्वस होने की बात नहीं। जिसने भी आपको ये बताया है या जहाँ से भी आपके पास ये नॉलेज आई है, डैट इज़ अ फेक थिंग, उसने कहीं और से सुना और उसने आगे कन्वे कर दिया, उसने कहीं और से सुना और उसने आगे कन्वे कर दिया।
बट रियल बच्चे वही होते हैं, अच्छा प्लेसमेंट उठाने वाले बच्चे वो होते हैं जो अपने आप को वैसा बनाते हैं। चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, आप प्राइवेट कॉलेज में भी IIT से बेटर प्लेसमेंट ले सकते हो और बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हो। और मैं रिकमेंड करूँगा, बहुत से लोग सोचते हैं कि अच्छा स्कोर नहीं आया, चलो एक साल का ब्रेक ले लेता हूँ, नेक्स्ट ईयर फिर से तैयारी करेंगे JEE की, तो नेक्स्ट ईयर तो हमारा IIT में हो जाएगा, मेरे कोचिंग वाले सर बोल रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स बोल रहे हैं, मेरे मॉम डैड बोल रहे हैं। देखिए, ये मेडिकल की पढ़ाई नहीं है, ये आपकी जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई है, MBA और इंजीनियरिंग BTech। इसको अगर आप 4 साल में कंप्लीट कर लेते हो, फॉर एग्जांपल आप इसी साल अपनी इंजीनियरिंग करते हो, BTech करते हो कहीं पे, 4 साल बाद आप जॉब में आ जाओगे, अच्छे से अच्छा आप करोगे, आपको बेस्ट प्लेसमेंट मिलेगा। जॉब में आने के बाद हर साल आपको ऑटोमेटिकली 15 से 20% का इंक्रीमेंट होता है। अगर आपकी सैलरी फॉर एग्जांपल 8 लाख रुपए की है, तो उसमें 20% का इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। 1.5 लाख रुपए तो आपके हर साल ऐसे बढ़ेंगे, 1,60,000 रुपए, तो आप 8 से 10 रुपए तो ऐसे ही चले जाओगे। तो ये जो गैपिंग होती है, गैपिंग इज नॉट राइट एट ऑल। आप गैपिंग मत करो। आप अभी देखो, आपके साथ यू हैव गॉट एम्पिल ऑफ ऑप्शंस। आप ऐसे कॉलेज देखो जहाँ पे प्लेटफॉर्म मिलता हो, जहाँ पे कंपनी आती हो, कंपनी को बस कॉलेज में आना ही मेन है, बाकी कंपनी को इंटरव्यू क्रैक करना, उसमें आपका कॉलेज कोई हेल्प नहीं कर सकता, ना ही मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ना आपके पेरेंट्स हेल्प कर सकते, कोई नहीं हेल्प कर सकता है। वहाँ पे आपको अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा, और अपने आप को आप प्रेजेंट तभी कर पाओगे जब आप अपने आप को डेवलप कर पाओगे। और डेवलप कैसे करोगे, आप इंजीनियरिंग में केवल बुक के ऊपर बेस मत रहो, कॉलेज लेक्चर के ऊपर बेस मत रहो, केवल परसेंटेज बनाने के पीछे मत भागो कि मुझे 70% से पास होना है, 80% से पास होना है। यू हैव टू लर्न लॉट ऑफ थिंग। आप अपने आप को काबिल बनाओ, आप अपने आप को स्किलफुल बनाओ। आप अपने आप को स्किलफुल बनाते हो तो प्लेसमेंट इज़ नॉट अ फैक्टर फॉर यू। प्लेसमेंट आपके पीछे आएंगे, ऑफर्स आपके पीछे आएंगे। एक बार कंपनीज को पता चलेगा कि ये बंदा, इसके पास गर्ल्स है, ये इस प्रोजेक्ट को अच्छा हैंडल कर रहा है, तो दूसरी कंपनीज भी आपको अप्रोच करेंगी आज ज़्यादा से ज़्यादा पैकेज देने के लिए। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ मिथ दैट IIT में जो भी बच्चा पहुँच जाता है, हर बच्चे को बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है, बहुत अच्छी नौकरी लग जाती है, सब लखपति हो जाते हैं। नो, दिस इज़ अ मिथ। ओनली 2-3% ऐसे बच्चे होते हैं जिनको हाई सैलरी लगती है, बाकी 97-98% बच्चे एवरेज सैलरी पे, 4-5 सैलरी पे ही अपना कैरियर को स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। इफ़ यू फील एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन सेलेक्टिंग योर कॉलेज इन इंडिया और एब्रॉड, यू कैन कॉन्टैक्ट ACS। इट विल बी आवर प्लेजर टू हेल्प यू। वी आर हेल्पिंग द स्टूडेंट फ्रॉम लास्ट 13 ईयर्स इन इंडिया एंड एब्रॉड फॉर द वेरियस एजुकेशनल प्रोग्राम्स। Thank you very much, friends. Do subscribe the channel for latest videos on education.